गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 2.5 सो क्वेश्चन इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक्सपेंड करना है जो हमारे लिए आइडेंटिटीज हम इसमें इस, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं ऑन आइडेंटिटीज के थ्रू <coughs> तो क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर तो एज वी नो दैट द आइडेंटिटी हम एज लिखेंगे एज वी नो दैट द आइडेंटिटी हम आइडेंटिटी को जानते हैं कौन सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स यह आइडेंटिटी होती है अब हम इस आइडेंटिटी को इस आइडेंट इस इस आइडेंटिटी इस के इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड लेंगे तो वेयर हम लिखेंगे वेअर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्योंकि एक्स की जगह पर एक्स है वाई इज इक्वल टू वाई की जगह पर क्या है टू वाई तो टू बाई हो जाएगा और जेड की जगह पर क्या है फोर जेड तो फोर जेड हो जाएगा अब हम वैल्यू को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई स्क्वायर प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर प्लस टू डॉट एक्स डॉट यह हमने डॉट करके लिख दिया है टू है में ठीक है टू अब वाई आएगा पहले तो क्या है टू वाई फिर जेड आएगा तो जेड क्या है फोर जेड फिर टू इंटू जेड क्या है फोर जेड और फिर इंटू जेड के बाद क्या है एक्स एक्स क्या है एक्स अब हम इसके लिए इंटू कर देंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर एक्स वाई प्लस टू टू जाए जेड प्लस टू टू जा टोर जा एट जेड एक्स तो दैट वाज योर आंसर तो यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया इज दैट क्लियर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड है टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर तो इसके लिए हम सेम वैसे ही लिखेंगे कि एज वी नो दैट द आइडेंटिटी इतना लिखकर जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आइडेंटिटी को लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स हमने अपनी आइडेंटिटी लिख दी अब हमें इससे कंपेयर कराना है तो वेयर एक्स इज इक्वल टू टू एक्स है वाई इज इक्वल टू माइनस वाई है क्योंकि माइनस है ना तो माइनस वाई है और जेड इज इक्वल टू जेड है अब हम इसमें पुट कर देंगे देन टू एक्स माइनस वाई देखिए एक्स जगह पर हमने क्या कर दिया टू एक्स वाई की जगह पर माइनस वाई और जेड की जगह पर जेड करके होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब एक्स पर हम टू एक्स को पुट करेंगे तो टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर वाई वाई की जगह पर माइनस वाई है तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड क्या है जेड ही है तो जेड का स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू एक्स की वैल्यू डॉट टू एक्स डॉट वाई की वैल्यू माइनस वाई ओके फिर प्लस टू वाई की वैल्यू माइनस वाई और जेड की वैल्यू जेड है फिर प्लस टू अब जेड की वैल्यू यहाँ पर देखिए आप जेड की वैल्यू जेड है और एक्स की वैल्यू क्या है टू एक्स है यहाँ पर आपने निकाली भी है तो क्या आ जाएगा टू एक्स ओके okay, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा पहले टू एक्स का स्क्वायर है तो आ जाएगा क्या फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई माइनस टू वाई जेड प्लस फोर जेड एक्स ये आपका आंसर हो जाएगा इज दट क्लियर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड का होल स्क्वायर अब इस क्वेश्चन में हमें वैसे ही लिखना है कि एज वी नो दट द प्रॉपर्टी फिर हमको लिखना है आइडेंटिटी फिर हम लिखेंगे क्या वेयर आपको ऐसा कंप्लीट लिखना है इज दैट क्लियर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स है हम इसमें हिंट दे रहे हैं ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू थ्री वाई और जेड इज इक्वल टू टू जेड हो जाएगा यह यहाँ पर इसको पुट करके अब हमारे लिए जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करके आपको सिंपली सॉल्व करना है तो आपका यह क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट हो जाएगा कंप्लीट नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर इसी के फोर्थ पार्ट पे फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या है थ्री ए माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर तो सिमिलरली इसमें भी आपको यह रही एक्स की वैल्यू ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री ए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सेवन बी और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस सी आपको आइडेंटिटी में पुट करके आपको इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम करवाएंगे ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू वी प्लस वन का होल स्क्वायर तो अब हमें इसमें सिमिलरली फुल इसको सॉल्व करेंगे क्या है लिखेंगे हम एज वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है फिर इस क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स ये आपका इक्वेशन हो गया जो आइडेंटिटी है फिर हम यहाँ पर लिखेंगे वी आर कंपेरिजन करेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे लिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन फोर ए ओके वाई की वैल्यू क्या जाएगी माइनस वन अपॉन टू बी और जेड की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से वाई की और यहाँ जेड की वैल्यू वन अब हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन ऐसी जे वैल्यू पुट कर अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो माइनस फोर अपॉन ए माइनस वन अपॉन टू बी और जेड की वैल्यू वन का होल स्क्वायर हम इस आइडेंटिटी में पुट कर रहे हैं वैल्यू ओके एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या वन अपॉइंट फोर ए का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू वन तो वन का स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉइंट फोर ए इंटू टू एक्स के बाद वाई आता है वाई की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉइंट टू एके ऐसे हमने वैल्यू पुट कर ली माइनस में तो इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया फिर प्लस है फिर क्या आएगा टू बाई जेड तो टू लिख दिया वाई की वैल्यू लिखेंगे हम तो माइनस वन बाई टू बी यहाँ पर बी है यहां भी वन बाई टू बी है ओके सॉरी फॉर द मिस्टेक टू वाई अब जेड जेड की वैल्यू क्या है वन ओके तो वन लिख लिया फिर टू अब जेड और एक्स है एक्स की वैल्यू क्या है वन अपॉइन फोर ए है ओके okay, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपलर सिमिलर सिंपली क्या है यहाँ पर वन अपॉन फोर का स्क्वायर होगा तो वन अपॉन सिक्सटीन ए स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाता है प्लस वन हो जाता है ओके okay? अब वन अपॉन सिक्सटीन का ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू से यह कैंसिल हो जाएगा टू टाइम्स में तो टू टू जा फोर और माइनस आ जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या, जाएगा? B, okay? क्या जाएगा? आ जाएगा माइनस वन अपॉन फोर ए बी ओके क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन ए फोर बी वन अपॉन फोर ए बी माइनस अब यहाँ पर देखिए यह से ये कैंसिल हो जाएगा माइनस आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर बी बी का इंटू वन में होगा तो क्या आ जाएगा बी ही रहेगा प्लस से यह टू टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सिंपल सिम वन बाय टू ए तो यह आपका आंसर हो जाएगा क्लियर सो द वॉज क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ